तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं कटहल की सब्जी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाएगा और आप लोगों को ये न्यू तरह का कटहल की सब्जी हम बनाना बताएंगे इसमें। अब बहुत ही टेस्टी बनता है। जिन लोगों को कटहल की सब्जी पसंद है वो लोग इस वीडियो को देखें और इस कटहल की सब्जी को बनाकर एक बार जरूर खाएँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने लिया हुआ है कटहल, और कटहल को हमने पहले अच्छे से काट करके धुल लिया है और धुल करके साफ पानी से इसको अब एक प्लेट में रख लिया है। इसके बाद हम चलते हैं कुकर लेते हैं। कुकर में डाल देंगे पानी। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, एक गिलास पानी सिर्फ डालेंगे, और इसमें डाल देंगे आधे चम्मच हल्दी पाउडर और आधे चम्मच नमक। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें डाल देंगे आधे चम्मच करीबन काली मिर्च पाउडर। बहुत ही अच्छा ही टेस्ट आता है। आप लोग काली मिर्च का पाउडर डाल कर जरूर देखिएगा, और हो सके थोड़ी सी कसूरी मेथी भी इसमें आप लोग डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमने जो कटहल को काट के रखा हुआ है फ्रेंड्स, इसको इस कुकर में डाल देंगे और पूरे कटहल की मतलब इसमें डाल करके और इसको मतलब एक सीटी लगाएंगे। मतलब इसमें थोड़ा पकाना है, मतलब ये है इस कटहल को हम इस पानी के साथ कुकर में पका देंगे। तो आपको पता ही है आप लोगों को, अगर कुकर में जब ये सब्जी पक जाएगा तो बनाने में कितना आसान हो जाता है और कितना ही जल्दी बनेगा। तो देखिए, इसमें हम लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद एक से दो सीटी लगा लेंगे जिससे कटहल पक जाए। मुझे तो फ्रेंड्स देखिए, हमने इस पर सीटी लगा लिया है। इसमें हमने चार सीटी लगाया है, दो सीटी में नहीं पका है, चार सीटी में कटहल हमारा पक जाएगा पूरा अच्छे से। तो मुझे कैसे पता चलेगा कटहल पक गया है, तो अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। जो बीज है, पहले बीज को हम इस तरह से किसी भी काटे वाले चम्मच से या किसी से भी आप दबा कर देख लें, देखिए पक गया है। इसको हम इसी तरह से पका लेंगे। तो एक पता हो गया कि हम एक कटहल हमारा पक गया है। अब इसको एक प्लेट में हम निकाल करके रख लेते हैं, और इसमें मतलब पानी नहीं होना चाहिए। और जो पानी है ना फ्रेंड्स, इसको हम फेंकेंगे ना, इसे ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। और जब इस नमक और हल्दी डाल करके जब कटहल उबाल देंगे तो पूरा नमक पूरे कटहल में अच्छे से फैल जाता है और भीग जाता है, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। इसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डाल दिए एक कटोरी भर के तेल, और तेल में जो कटहल को हमने बॉयल करके रखा हुआ है इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में जितना आप लोगों का समय लग जाए, लेकिन और समय इसमें अब नहीं लगेगा। फ्राई करने से जो कटहल का स्वाद है बहुत ही टेस्टी हो जाएगा, क्योंकि बॉयल किए हुए हैं तो ऐसे ही बना देंगे तो इतना टेस्ट अच्छा नहीं होगा, गीला गीला लगेगा। तो इसी तरह इसीलिए हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। तो ऐसे ही आप लोग लगातार चला करके इस कटहल को फ्राई कर लीजिएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कटहल हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम मतलब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, इस तरह से एक प्लेट में सभी कटहल को हमने निकाल लिया है। और जो बचे हुए तेल है, इसी तेल में हम ग्रेवी बनाएंगे। इसमें देखिए, हमने डाल दिया दो छोटी इलायची, दो तेज़पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, दो लौंग और मरीच का पाउडर हमने इसमें जो हल्दी वाला पानी था उसमें डाला ही है। तो इसके बाद देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग पका लेंगे तेल में, और इसके बाद डाल देंगे सूखा लाल मिर्चा। तुरंत ही डालेंगे लहसुन और हरा मिर्चा को हमने चॉप कर लिया है तब इसमें डाला है, क्योंकि अगर वो जो लाल मिर्चा आपने डाल दिया है अगर उसमें थोड़ा सा जल जाएगा स्वाद खराब हो जाता है। तो इसीलिए लाल मिर्चा डालें, तुरंत ही लहसुन और हरा मिर्चा को डाल दें जिससे जो लाल मिर्चा है जलने ना पाए। इसके बाद देखिए, लहसुन और हरा मिर्चा अच्छे से भून गया है, तब इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने प्याज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ली है, क्योंकि इसमें जो ग्रेवी होगी गाढ़ी होगी प्याज से, इसीलिए हमने प्याज को ज़्यादा मात्रा में चॉप करके डाल दिया है। चॉप कर लेंगे तो फटाक दे गल भी जाता है और बनाने में समय भी नहीं लगता है, इसीलिए हमने इसको बारीक चॉप कर लिया है प्याज को। और चला करके इसको ऐसे ही मतलब चलाते रहेंगे, और चला करके इसको हम हल्का सा मतलब जो गल जाएगा प्याज तब हम इसको मतलब ढक देंगे। थोड़ा सा हमने गला लिया है, गलाने के बाद थोड़ा सा और ढक देंगे तो और अच्छे से गल जाएगा। तो ढकने से जो मतलब प्याज होता है ना, बढ़िया गल जाता है। देखिए, हमने ढक दिया था और ढकने के बाद देखिए कितना अच्छा गल के तैयार हो गया है। इसी तरह से प्याज गला लेना है इसको, मतलब तेल में फ्राई नहीं करना है। और देखिए, इसमें डाल दिए नमक और हल्दी, डाल देंगे थोड़ा सा,
और इसके बाद डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, और इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा कलर इससे अच्छा आ जाएगा तो कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर देंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे मीट मसाला। तो इसमें मीट मसाला आप लोग बेशक डाल सकते हैं, मीट मसाला वेज होता है, नॉन वेज नहीं होता है वो मसाला, तो आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, शुद्ध शाकाहारी है। तो देखिए इसको हमने डाल दिया है और अच्छे से मिला दिया है, और मिलाने के बाद फ्रेंड्स इसमें डाल देंगे जो हल्दी वाला पानी था, थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे जो मसाले हैं मतलब इसमें मिल जाएँ और अच्छे से पक जाएँ। तो मसालों को अच्छे से पका लेना है, और पकाने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो टमाटर को भी हमने पेस्ट मतलब नहीं किया है, चॉप ही किया है, चॉप करके इसमें डाल देंगे। और फ्रेंड्स ये बात ध्यान रखें, अगर ग्रेवी अच्छा चाहते हैं इस तरह से बनाना, तो जो प्याज है ज़्यादा उसको फ्राई नहीं करना है, फ्राई हो जाएंगे तो गलेंगे नहीं प्याज, इसलिए ज़्यादा फ्राई ना करें, और थोड़ा सा उसको बस मीडियम फ्लेम पर कम तेल में उसको गलाना है, क्योंकि हमने तेल में कटहल फ्राई किया है तो तेल में मतलब तेल इसमें बढ़िया है, जहाँ तेल इसमें फ्राई करने में नहीं लगाएंगे। तो इसके बाद देखिए हमने मसाला बढ़िया से तैयार कर लिया है, और तैयार करने के बाद इसमें हम डाल दिए हैं कटहल, और कटहल को थोड़ा सा मिला लेंगे। और फिर मिलाने के बाद इसमें जो हम पानी हल्दी वाला और नमक वाला जो पानी है उसको इसमें पूरा डाल दिए हैं, अब इसको हम मिला लेंगे। मिलाने के पहले थोड़ा इसमें डाल देंगे गरम मसाला, और साथ में डाल देंगे अपनी कसूरी मेथी। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप लोग एक बार इस सब्ज़ी को बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए इस कसूरी मेथी भी हमने इसमें डाल दिया, अब इसको हम मिला लेंगे, और चलाने के बाद इसको हम ढकेंगे, ढक करके इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि ये हमारा जो सब्ज़ी है पका हुआ है, पहले तो हमने बॉयल कर लिया है, बॉयल करने पे ही हमने पूरा अच्छे से कटहल को पका लिया था, और इसके बाद फ्रेंड्स हमने फ्राई भी कर लिया है, तो अब इसको कटहल को पकने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, मसाला भी हमारा बढ़िया से पका हुआ है, तैयार है। तब इसको हम अब सिर्फ 2 मिनट से 3 मिनट की इसको हम पकाएंगे, वो भी एकदम लो फ्लेम पे। तो इसको हमने देखिए ढक दिया है, और ढकने के बाद इसको 2 मिनट से 3 मिनट छोड़ देंगे। तो हमारा 2 से 3 मिनट हमने छोड़ दिया था, अब हम अपनी सब्ज़ी को देख लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं कटहल की सब्ज़ी ये कितना बढ़िया बन के तैयार हो गई है, गैस फ्लेम हमने बंद कर दिया है। और फ्रेंड्स आप लोगों को उम्मीद है कटहल की सब्ज़ी जरूर पसंद आई होगी, एक बार इस सब्ज़ी को आप लोग ज़रूर बनाइएगा, और जरूर कमेंट बताइए आप लोग कटहल की सब्ज़ी कैसी बनी थी। थैंक यू।